क्या ड्राइवरों के एक मन में डर तो रहेगा कि मारने से पहले चलाने से पहले जो पीपी के चलाते हैं ड्राइवर वो भी तो बंद होगा। जो हैवी ड्राइवर जो निकल जाते हैं रात के 12 बजे ट्रकों को लेके 150-150 की स्पीडों पे, वो भी अब धीमे चलेंगे क्योंकि पता है मारते ही कानून है। और भाई ने जैसे बोल दिया कि एक ड्राइवर गरीब होगा वो घर कैसे चलाएगा, जो मरने वाला है क्या वो अंबानी होगा क्या? वो गरीब नहीं होगा, उसके बच्चे नहीं होंगे, उसका घर परिवार नहीं होगा। कोई ट्रक वाला कोई आदमी को जान के टक्कर तो मारता नहीं है। देखो एक्सीडेंट रोकने के लिए कोई तो कानून तो बनाना ही पड़ता है। जो ट्रक ड्राइवर कह रहे हैं कि अगर हमारी गलती ना भी हो, अगर सामने वाला आ जाए रात के अंधेरे में, तो हम अपना बचाव कैसे करेंगे फिर? वो तो देखो इसके लिए भी अपने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए, जगह जगह कैमरे लगे हुए पता लग जाए कि किसका कसूर है। फैक्ट्रियों में जावे ट्रक लेकर, वहाँ पे नहीं हो तो सकता एक्सीडेंट, गलत है वो कानून, गलत नहीं है। ड्राइवर के लिए हमारे लिए भी कानून है, ये तुम्हारे लिए भी है। वही तो, इसे हाँ कहाँ से भुगतान पूरा करेगा ये चीज? बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट है ये कानून, ऐसा कानून बिल्कुल लागू होनी चाहिए। सही है, मगर ये जो कानून बनाया है ना, जो बंदा भाग रहा है और 10 साल, उसके लिए बहुत बढ़िया सा ये है कानून। अच्छा है पब्लिक के लिए ये लागू होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा है। अभी तक ये होता था सर कि किसी का एक्सीडेंट होता था और रोड पे पड़े रहते थे, ड्राइवर अपना निकल जाते थे। अब इस टाइम पे होगा तो उनके लिए भी सख्ती होगी, थोड़ा आराम चलाएंगे, ड्रिंक कम करेंगे, जरूरी है। देखो आज के टाइम में जरूरी है। ये कानून सही है या गलत है? सही है, कानून होना चाहिए। अभी ट्रक ड्राइवर पूरे देश के अंदर में धरना दे रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सही है गलत है? गलत है। क्या ड्राइवरों के एक मन में डर तो रहेगा कि मारने से पहले चलाने से पहले जो पीपी के चलाते हैं ड्राइवर वो भी तो बंद होगा। जो हैवी ड्राइवर जो निकल जाते हैं रात के 12 बजे ट्रकों को लेके 150-150 की स्पीडों पे, वो भी अब धीमे चलेंगे क्योंकि पता है मारते ही कानून है। और भाई ने जैसे बोल दिया कि एक ड्राइवर गरीब होगा वो घर कैसे चलाएगा, जो मरने वाला है क्या वो अंबानी होगा क्या? वो गरीब नहीं होगा, उसके बच्चे नहीं होंगे, उसका घर परिवार नहीं होगा। है भाई, भाई की बात जो बोल रहे थे कि नहीं गरीब है वो, तो भाई जो मरने वाला जो जरूरी थोड़ी ना वो अमीर हो भाई, वो तो उससे भी ज़्यादा गरीब होगा, उसके घर वालों के लिए भी तो सोचो। तुमने ड्राइवर के घर वाले के लिए सोच लिया तो उसके घर वाले के लिए तो सोचो। और ड्राइवर इससे तो ढंग से ही चलाएगा ना, अभी जो यहाँ से भगते हुए चलती हैं 12 बजे, आप कोई भी रोड पर देख लो कौन सा ड्राइवर सही होकर चलाता है, कोई रेड लाइट नहीं मानता, कोई चालान नहीं मानता, कोई कुछ नहीं मानता, भगते हुए बैरिकेडिंग निकलते हैं। और अब डर तो रहेगा कि सामने गलती से कोई आ गया तो तुरंत। वो कह रहे हैं कि अगर कोई सामने से अगर ठुक जाए, उसमें मेरी गलती ना हो और मर जाए बंदा, तो मैं क्या करूं? तो सामने से भाई बंदा तो देख के चलाता है, बहुत तरकीबें होती हैं रोकने की गाड़ी। अगर ट्रक ड्राइवर की भाई साहब गलती ना हो, अगर गलती सामने वाले की हो, अगर वो मर जाए तो फिर? तो फिर कुछ नहीं, तो फिर वो वहाँ पे देखा जाएगा ना वहाँ पे भाई, क्यों तुम्हें पता है तो भाई सब तुम ही बता लो, जब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो। अगर मान के चलिए अगर मर जाए बंदा, तो वहाँ ना कोई सीसीटीवी कैमरा है, कुछ भी नहीं, कोई साक्ष्य नहीं है, तो उसको न्याय कैसे मिलेगा फिर? तो बिल्कुल मिलेगा, कोर्ट है ना उसके लिए न्याय देने के लिए। कोर्ट ने जब इतने सारे न्याय दे दिए तो उसके लिए भी तो कुछ सोचा होगा, तभी तो ये निकाला है। हर चीज़ के लिए सोच के लगता है कि कोर्ट के अंदर में जो न्याय होता है वो बुलेट प्रूफ है, एकदम सही होता है। सही होता है क्यों, गलत क्या हो गया इसमें बताओ आप? कौन से मान के चलिए रात के अंधेरे में कोई ट्रक ड्राइवर चल रहा है और गाड़ी सामने आ जाती है, गलती उसकी होती नहीं है पर मर जाता है, पर वहाँ प्रूफ हो जाता है कि ट्रक ड्राइवर की गलती थी, जबकि ट्रक ड्राइवर की गलती नहीं है, तो पर कोर्ट में प्रूफ हो जाता है, तो फिर कोर्ट में कैसे प्रूफ हो जाता है? कोई चीज़ होगी ना, जब को अगर ट्रक वाले ने कोई गलती करी होगी तभी तो प्रूफ होगा, अगर ट्रक वाले ने गलती नहीं करी होगी तो प्रूफ ही कैसे होगा? कोर्ट साक्ष्य तो होने, कोई साक्ष्य तो होना चाहिए ना, कोई साक्ष्य तो होना चाहिए ना। तो भाई तुम कह रहे हो कि कोर्ट बेकार हो गया? बेकार की बात नहीं कर रहा मैं बेकार की बात नहीं कर रहा। ये मान लिया ट्रक ड्राइवर सही चला रहा है, ठीक है, लेकिन ट्रक ड्राइवर की कहीं ना कहीं गलती होगी तभी तो प्रूव होगा, ऐसे थोड़ी ना। ये कह रहा हूँ कि ट्रक ड्राइवर के अलावा जो सामने वाला चल रहा है उसकी गलती हो सकती है, मैं ये कह रहा हूँ कि गलती होगी तभी तो बंदा मरेगा। आप ये कह रहे हो कि ट्रक ड्राइवर की गलती तो होगी ही होगी, पर जो सामने वाला गाड़ी वाला है उसकी गलती नहीं हो सकती। इंसान खड़ा ट्रक ड्राइवर की गलती नहीं होगी, ब्रेक मार कह रहा सर, एक कार वाला जा रहा है साथ में, ठीक है ना। आप ये कह रहे हो कि ट्रक ड्राइवर की 100% गलती होनी होनी है, कार वाले की गलती हो चाहे ना हो, दोनों की होगी ना गलती। क्या पता सर ट्रक वाले की गलती ना हो। एक्सीडेंट को आदमी को जान के करता गया, ये बता पहले। ये कह रहा हूँ कि ये कानून कितना सही है, अच्छा है, गलत है? गलत है तो समझे नहीं, कोई ट्रक वाला कोई आदमी को जान के टक्कर तो मारता नहीं है, समझे नहीं। अब कोई ट्रक के कोई आत्महत्या करे, कोई ट्रक के नीचे आ जाए तो उसमें ट्रक वाले की गलती है कोई? ये बताओ पहले, वो तो आत्महत्या करने की नहीं गया, वो तो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट कम होगा इससे, डर होगा। भाई जिसकी मौत आनी है उसकी तो आएगी,
वो कोई रोक लेगा क्या कोई है? ये बता पहले, आदमी रोक लेगा? ये भगवान के, ये तो भगवान के आदमी। खाली ट्रक ड्राइवर के लिए कानून नहीं है, ये हमारे लिए भी है। वो तो हमें भी स्ट्राइक पे जाना चाहिए, सभी के लिए है। खाली ट्रक ड्राइवर क्या मतलब हुआ? ये कानून सबके लिए है। जो इस वक्त जो है तो ड्राइवर कहीं हड़ताल पर है, देश बंद है, सारी पब्लिक को भी हड़ताल कर पे ले जाओ ना। फिर हमने हमारे पे भी तो कानून लागू होता है, खाली उन पे तो नहीं लागू होता। क्या कहना चाहेंगे, ये कानून सही है या गलत है? देखो, एक्सीडेंट रोकने के लिए कोई तो कानून तो बनाना ही पड़ता है। एक्सीडेंट तो रोकने के लिए जो ट्रक ड्राइवर कह रहे हैं कि अगर हमारी गलती ना भी हो, अगर सामने वाला आ जाए रात के अंधेरे में, तो हम अपना बचाव कैसे करेंगे फिर? वो तो देखो, इसके लिए भी अपने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए। जगह जगह कैमरे लगे हुए, पता लग जाए कि किसका कसूर है, उसी को सजा होनी चाहिए जिसका कसूर है। जो कैमरे होंगे वो शहर में होंगे, शहर से बाहर तो नहीं होंगे। हाईवे पे भी लग सकते कैमरे, क्यों नहीं लग सकते? सर, आप जानते हैं इंडिया है, इंडिया में शहर के बीच में यहाँ नहीं चलते होंगे कैमरे, यहाँ लगे कैमरे। अरे जंगलों में थोड़ी ऐसे एक्सीडेंट हो गए हैं, कैसी बात करते हैं जंगलों वाली तुम भी। इतना बड़ा जंगल पड़ा, वहाँ पे फैक्ट्रियों में जावे ट्रक लेके, वहाँ पे नहीं हो तो सकता एक्सीडेंट। गलत है वो कानून, गलत है। बताया जा रहा मालिक को बताओ ना, बस वाले को, ड्राइवर के बेचारे के, एक मजदूर की क्या गलती होगी उसमें? सर उसे बता रहे ड्राइवर आदमी को 10 साल का सजा सुना दोगे, क्या ये सही है? पहले बस जमा हो गए, एक एक करके बोलिए। के लिए नहीं, ड्राइवर के लिए, हमारे लिए भी कानून है, ये तुम्हारे लिए भी है। वही तो, इसे हाँ कहाँ से भुगतान पूरा करेगा ये चीज? इसीलिए कल ध्यान से बना रहे हो, छोटी मोटी कानून बनाओ, इतनी बड़ी कानून आप नहीं बना सकते हो। इनका ये कहना है, इनका ये कहना है कि ये कानून जो है वो सबके लिए है, इसीलिए तो वही तो बोल रहे हैं कानून सबके लिए किया गया है, तो ये गलत है, नहीं होनी चाहिए ऐसा। आप बाइक वाले के ऊपर, कार वाले के ऊपर, ट्रक वाले के ऊपर, सब पे यही कानून आप बना रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इतनी बड़ी कानून नहीं बना सकते हैं, ये कानून आप इसको आप रिटर्निंग ले लें, उसी में आपकी भलाई है। पहले सरकार मुआवजा देती थी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अब जो है ड्राइवर को ऊपर कानून बना रहे हो तो भाई क्या लगता है, ये जो अभी कानून बनाया है सही है गलत क्या है? गलत है यार, ये तो यार शायद गलत है भाई, जान पूछ के कौन टक्कर मार देगा भैया? ये मुझे तो पता ही नहीं, इस कानून के बारे में नहीं पता। कानून ये है, पहले था अगर कोई बंदा अगर ना मतलब टक्कर मारता है, बंदा मर जाता है और भाग जाता है, तो उसको थी सजा 2 साल की। अब जो है वो बढ़कर हो गई 10 साल सजा और 7 साल की 7 लाख का जुर्माना। जो भाग जाता है, जो भाग जाता है, बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट है भाई, सही है। ये कानून, ऐसा कानून बिल्कुल लागू होनी चाहिए। हाँ, सही है, बिल्कुल सही। और जो बंदा जैसा किसी से अनजाने में लगती है और वो बंदा वहाँ खड़ा होता है और कॉम्प्रोमाइज होता है उनमें, तो उसके लिए कोई वो नहीं है। ये ठीक है, अच्छा है। मगर ये जो कानून बनाया है ना, जो बंदा भाग रहा है और 10 साल, उसके लिए बहुत बढ़िया था ये है कानून। अगर जो रुक रहा है वहाँ पर, अगर देख रहा है, उसको ना 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। नहीं, उसको सजा हो सकती है, बट अगर वो कन्विंस हो जाता है उनके साथ, उनके घर वालों के साथ रिलेशन में, मतलब जैसे कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो उसके लिए क्या सजा होगी? ड्राइवर की बात छोड़ देते हैं अलग, पब्लिक को फायदा होगा इससे? पब्लिक को तो फायदा है, जो विक्टिम है, जो मतलब मर रहा है, उसके लिए फायदा होगा। हाँ, उसके लिए बहुत फायदा है, उसके लिए फायदा है। बात है, उसके लिए तो फायदा हो गई। गरीब आदमी मरता है एक्सीडेंट में, कभी भी देखना आप, गरीब आदमी मरेगा, अमीर आदमी कभी नहीं मरता, क्योंकि वो गाड़ियों में, फोर व्हीलर में होते हैं, गरीब आदमी हमेशा 2 व्हीलर पे होता, साइकिल से होगा, रिक्शा से होगा, पैदल होगा, पैदल वालों को भी कुचल के चले जाते हैं 4 व्हीलर वाले। कानून वापस लेने की डिमांड हो रही है कि आप ना कानून, मेरे हिसाब से कानून बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कानून। हाँ, मैं सही है कानून यार, भैया लागू होने चाहिए ये कानून, लागू होने चाहिए बिल्कुल। क्या लगता है आपको, कानून अच्छा है ये वाला जो भी लागू हुआ है? लागू तो नहीं हुआ अभी, अभी नहीं हुआ। हाँ, बट होना चाहिए, होना चाहिए। जो ड्राइवर अभी हड़ताल पर है, हाँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, होना चाहिए, होना चाहिए। क्या लगता है कितना कानून अच्छा है ये पब्लिक के लिए? पब्लिक के लिए गलत है, पब्लिक के लिए गलत है कानून, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। क्यों, अच्छा क्यों नहीं? कोई आदमी चाहता है किसी को मार दूँ, जो मरना चाहेगा तो खुद ही आएगा सामने। सरकार ये कह रही है, सरकार, भैया 2 मिनट, जो भाग जाते हैं ना उनके लिए, हाँ उनके लिए गलत है, जो शराब पी के लाते हैं उनके लिए गलत है। कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल जो भी बोला गया है सही है भैया, मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छा कानून बनना चाहिए। हाँ, मैं तो यही मानूँ अच्छा है, पब्लिक के लिए ये लागू होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा है। अभी तक ये होता था सर कि किसी का एक्सीडेंट होता था और रोड पे पड़े रहते थे, ड्राइवर अपना निकल जाते थे,
अब इस टाइम पे होगा तो उनके लिए भी सख्ती होगी, थोड़ा आराम से चलाएंगे, ड्रिंक कम करेंगे, बहुत सारी चीज़ों की फैसिलिटी है इसमें। सख्ताई होगी, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट जो हो रहे हैं देश के अंदर वो उसमें कमी होगी, बहुत बहुत कम हो जाएंगे सर, और सतर्कता बरतेंगे, जो भी ड्राइवर हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, लिमिट में ही चलाएंगे सर। जो ड्राइवर हैं वो डरे हुए हैं, कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं कहीं मर गया बंदा हम तो 10 साल के लिए अंदर फिर। जी जी नहीं, ये तो गलत है सर, उनका जो धरना है वो जो दे रहे हैं धरना महार से बिल्कुल गलत है सर, धरना उनको देना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार पूरी चीज़ें समझने, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है ये सारी चीज़ों के बारे में, उनका पहले बयान पढ़े अमित शाह का जो उन्होंने बोला था उस टाइम पे। सरकार पैसा और बचाना चाह रही है, क्योंकि पहले एक्सीडेंट वगैरह पर सरकार जुर्माना देती थी, अब जो है उनके ऊपर ठोका जा रहा है, जेब अपना भरना चाहते हैं, सरकार पैसा अपना बचाना चाहती है। कहीं ना कहीं इससे एक्सीडेंट में कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार, ये कह रहे हैं कि लोग डरेंगे और सही से चलाएंगे गाड़ी अपनी। अरे तो ओवरलोड, उस पर जो ओवरलोड कर रहा है उस पर जुर्माना करिए, जो ओवरलोड कर रहा है, जो शराब पी कर मदिरा पान करके चला रहा है उस पर कानून बनाइए। अब वो अगला क्या कमाएगा, ट्रक वाला कितना, बस वाला कितना। सरकार का ये तर्क है वो कह रहे हैं कि कोई बंदा मर जाता है उसको न्याय नहीं मिल पाता, वो भाग जाता है। कैसे भाग जाएगा, रात के अंधेरे में अगर कोई जा रहा है 12 बजे रात को, अगर वो मतलब उसको कुचल दिया आपने और वो भाग गया तो उसको न्याय नहीं मिल पाता, ये कहना है सरकार का। उसके लिए जो है अरेस्ट करो, क्यों नहीं, कैसे होगा ना कोई आता ना पता, लिंक है, फोटो पहचान पत्र है, सब होता, पकड़े जाते हैं और जुर्माना सरकार देती है। आपके नज़र में आपके आसपास बगल में कितने ही एक्सीडेंट हुए हैं ना, क्रॉस करने लगते हैं, एक्सीडेंट होता है, क्या सब ड्राइवरे का कमी होती है, ड्राइवरे कमी होती है सभी। भैया क्या लगता है जो अभी जो कानून बना है देश के अंदर में और उसके लोग जो पूरे देश के अंदर में बवाल बचा हुआ है, ये कानून अच्छा है देश के लिए? कौन सा वाला जो ट्रक ड्राइवरों के लिए बना है? ट्रक ड्राइवर वो तो गलत है, गलत का है कानून, ट्रक ड्राइवरों के लिए नहीं, पूरे हम सब के लिए है ये गलत है कानून। एक्सीडेंट तो हर किसी से हो जाता है, स्पेशली बेचारे ट्रक ड्राइवर तो चलते रहता हाईवे पे तो हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता तो उसके लिए बेचारे थोड़ी ना वो जेल जाएंगे, इतना थोड़ी ना वो, ये गलत है कानून। तो उसको रोकने के लिए कह रहे हैं कि उसको रोकने के लिए हम लेकर आए हैं, रोकना चाहिए आपको ये वाला कानून। कैसे रुकेगा बताइए, जो पहले था वो ठीक था, तो 2 साल की सजा थी, अब 10 साल की बढ़ा दी उसको, ज्यादा हो गई ना। जरूरी है, देखो आज के टाइम में जरूरी है, ये कानून सही है या गलत है? ये सही है कानून, सही है। होना चाहिए, जो ट्रक पैसे देने चाहिए, जो मरा है तो ट्रक वाले को उसको पैसे देने चाहिए या उसको सजा होनी चाहिए, एक चीज होनी चाहिए दोनों में से। हाँ जी, लगता है मैडम आपको ये जो कानून अभी बना है ये सही है गलत है? भाई कानून क्या बना है, अगले की तो जिंदगी गई, उसके परिवार में क्या रहा है, कानून तो ऐसा तो हो जो कुछ उसके लिए फायदा हो है, या तो उसको पैसे दो या उसे सजा दो। अभी ट्रक ड्राइवर पूरे देश के अंदर में धरना दे रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सही है गलत है? गलत है, धरना दे रहे हो, उनका तो मर गया आदमी, धरना भी दे रहे हो है, गलत भी काम कर दिया तुम, वो भी कर रहे हो, उसे पैसा दो उसको। कानून बना है कि अगर आप, कानून में ही दो ऑप्शन होने चाहिए, या तो जो आदमी मरा है ट्रक वाले को उसको पैसे देने चाहिए या ट्रक वाले को सजा होनी चाहिए, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, ताकि जो मरा है उसके भी तो कुछ कम्फर्टेबल होना चाहिए ना, उसकी भी फैमिली वालों के लिए होना चाहिए कुछ। सही है क्या जी? कानून सही है, सही है।